हेलो एवरीवन। तो यार ईशा में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद हम चल पड़ते हैं हमारे ट्रेन में कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन से कोझिकोड। और फिर वहां से एक बस लेकर हम पहुंच जाते हैं कालेपेटा, यानी कि वायनाड, हमारा सेकंड डेस्टिनेशन। हे एवरीवन, वेलकम टू द न्यू डे एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो यार हम लोग वायनाड में हैं, जैसे कि कल यार मैं जस्ट पहुंचा था और उसके बाद हम लोग अपना नवरंग विला में एंट्री किए, नवरंग मेला में हम लोग जाके चेक इन किए। उसके बाद यार रात हो गया था, जस्ट खाना वाना खाए सो गए। उसके बाद जस्ट आज सुबह स्टार्ट हो रहा है दिन। काफी ज्यादा अच्छा एटमोसफियर है यहाँ पर, काफी ज्यादा ठंडा सा एटमोसफियर है। मेरे को इतना नहीं लगा था कि, मेरे को लग रहा था हो सकता है थोड़ा गर्मी रहेगा, लेकिन हमारे होमस्टे में सिर्फ एक फैन था और यार उसमें भी मेरे को ठंडी लगने लगा था, तो सुबह सुबह मेरे को बंद करना पड़ा। तो जस्ट अभी हम लोग सुबह का ब्रेकफास्ट या फिर ब्रंच साथ में करने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा भूख लग रहा है। तो जस्ट हम लोग एक नया यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस कैफे आए हुए हैं। ये एक ओल्ड विंटेज कैफे है जिसको एक पुराने घर से एक कैफे बना दिया गया है। तो इसका कैफे का नाम 1980s कैफे है। तो चलो यार जल्दी अंदर चलते हैं, फिर वायनाड एक्सप्लोर करने को जाएंगे, पहले कुछ खा लेते हैं। खाने में ऑर्डर किया स्पेशल पराठा, स्पेशल केरला डोसा एंड वेज कोरमा। और ये जो आप ग्लास में देख रहे हैं वो बियर नहीं है, पानी है। स्पेशल तरीके के हर्ब्स के साथ वाटर को बॉईल किया जाता है, जिसके वजह से इसका कलर थोड़ा अलग है। खा पी कर हम आ जाते हैं KSRTC बस स्टॉप, वहाँ से बस लेकर हम चल पड़ते हैं वायनाड एक्सप्लोर करने। बस से उतरकर हम लेते हैं एक ऑटो और आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेस पे, जो कि है टी प्लांटेशन। यहाँ टी प्लांटेशन में थोड़ी मस्ती करने के बाद हम ऑटो में बैठकर चल पड़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के लिए। सो एवरीवन, जस्ट नाउ यार अभी हम लोग सुचीपारा वाटरफॉल्स के पास पहुंचे, यहाँ तक ही हमारा व्हीकल आ सकता है, इसके आगे हम लोग को थोड़ा चल के जाना पड़ेगा। ये देखो बोर्ड लगा हुआ है 1 किलोमीटर फिर सुचीपारा वाटरफॉल, और यहाँ से हमको यार टिकट कलेक्ट करना रहेगा। सो यार टिकट का प्राइस 65 रुपीज़ है पर हेड, और यार अभी अंदर आए तो 1200 लोगों को ही एक दिन में अंदर आने के लिए मिलता है सुचीपार वाटरफॉल्स में। तो जस्ट पहले हम लोग यहाँ जाएंगे, फिर वापस जाते जाते एक और फेमस है जो 900 कांडी ग्लास ब्रिज है, वो वहाँ पर हम लोग जाने वाले, फिर वहाँ पर और देखेंगे क्या क्या करने के लिए। तो सबसे पहले ये वाटरफॉल चलते हैं। सो यार हम लोग सूची और वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, और मैं हमारे से और किसी को भी नहीं देख रहा हूँ यहाँ पर, होप कि यार वहाँ बस वाटरफॉल होगा। तो यार हम लोग सूची और वाटरफॉल पहुंच चुके हैं, तो जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हो और आपको आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो जस्ट थोड़ा सा बस हल्का सा पाथ बचा है, ऊपर से हम लोग अभी विजिबल था। तो जस्ट अभी हम लोग सुचीपारा वाटरफॉल पहुँचे, और चलो यार जाके उसको एंजॉय करते हैं।
वाटरफॉल में एंजॉय करने के बाद हम हमारे ऑटो में बैठकर चल पड़ते हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए। सब कुछ सही चल रहा होता है तभी सुरची वाटरफॉल के बाद हम लोग अपना नेक्स्ट लोकेशन जा रहे हैं, जो कि है 900 कांडी में ग्लास ब्रिज। सो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, आप इंस्टा में ये रील वील देखोगे जिसमें ग्लास ब्रिज में वॉकिंग करते। तो असल में यार प्रॉब्लम ये हो गया कि आज है ना वीकेंड पड़ गया है, और वीकेंड में यार बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो आई होप कि हम लोग को मिल जाएगा। और यहाँ का एंट्री फीस 200 रुपीज़ है, तो आपको 200 रुपीज़ पे करना रहता है। फिर उसके बाद आप जीप सफारी भी जा सकते हो, जीप सफारी का अलग से रहता है सम 1200 के आसपास। तो पहले हम लोग ग्लास ब्रिज चलते हैं और जाके देखते हैं, अगर का भीड़ नहीं हुआ तो अच्छा कुछ शॉट्स मिल जाएगा। तो चलो यार चलते हैं। तभी ये वीडियो लेने के बाद मेरा कैमरा डेड हो जाता है और मैं ग्लास ब्रिज का वीडियो नहीं ले पाता हूँ। थोड़ी देर में पावर बैंक से चार्ज करने के बाद हम हमारा कैमरा वापस यूज़ कर पाते हैं और वायनाड का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और अब ग्लास ब्रिज के बाद हम जा रहे हैं एक सीक्रेट प्लेस पर। तो यार जैसे हम लोग वापस जा रहे थे जंगल सफारी ये सब होने के बाद, जीप सफारी होने के बाद, तो हमारे ऑटो अन्ना जिनका घर यहीं पास है, तो वो बोले कि यार आ जाओ मैं तो आप लोगों को एक नया सीनरी प्लेस दिखाता हूँ। तो जस्ट वो हम लोग को एक नए रास्ते से लेके आए थे, और हम लोग अभी यार थोड़ा ऊपर जंगल की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हम लोग बहुत अच्छा सीनरी देख सकते हैं। तो ये यहाँ के लोकल है, तो ये काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। अगर आप लोग देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। तो जस्ट यार हमको ये ना लेकर जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा प्लेस में आए हम लोग। इनका घर बस यहीं पास ही है, वो हमारे ऑटो अन्ना जा रहे हैं उनका पीछा कर। ये लोकेशन एंजॉय करने के बाद हम आ जाते हैं लंच करने। जैसे ही हम लंच करके रूम आते हैं, थोड़ी देर में ये बारिश भी आ जाती है। और एक मिनट, ये सिर्फ बारिश नहीं है, बारिश के साथ बर्फबारी भी हो रही है। ये देखकर अब मैं रूम में नहीं रह सकता, तो हम निकल जाते हैं बाहर, क्योंकि हम आए ही हैं केरला मानसून के समय बारिश का मजा लेने। चाय की एक चुस्की लेकर हम जा रहे हैं एक नियर बाई प्लेस को एक्सप्लोर करने। चलते चढ़ते लटक कर और कूद फान कर हम आ जाते हैं हमारे लोकेशन मैल्डीपारा पे। बस यार यहीं तक था हमारा वायनाड का सफर। हम लोग यार अभी चेकआउट कर रहे हैं और वायनाड को गुड बाय बोलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय था हमारा वायनाड में। तो जस्ट हम लोग नवरंग विला से अभी हम लोग निकले, और अभी हम लोग यार KRCTC का बस स्टॉप जा रहे हैं। वहाँ से हम लोग वापस से जा रहे हैं कोझिकोड, फिर वहाँ से हम लोग यार नेक्स्ट डेस्टिनेशन जा रहे हैं। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन अगर आपको जानना है तो सीरीज़ को फॉलो करो और लाइक और सब्सक्राइब करो।